तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों की क्लास 9th फिजिक्स से मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर। बड़ा ही मस्त चैप्टर है, बड़े प्यार से समझा देंगे आपको। आप लोगों का काम होगा वीडियो को नंबरिंग वाइज देख लीजिएगा, बोले तो पहले जो टॉपिक्स करवाया जाता है, पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, ऐसे हिसाब से आप देखते जाइएगा तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। सबसे पहले हम चैप्टर का क्या करते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। और मीनिंग समझने के बाद हम फिर आगे की चीज़ों का समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोशन का मतलब सिंपल आपको पता है कि भाई मूव करना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना मोशन में रहती है, मतलब मूव करते हैं, नॉर्मल सी बात है। और वन का मतलब एक होता है। डायमेंशन की क्या कहानी है यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा दो टर्म को आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक होता है आपके पास रेस्ट और दूसरा होता है आपके पास मोशन। तो एक बार रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने लग जाएगी वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार रेस्ट क्या है। देखिएगा, अगर मैं ध्यान से समझिएगा, ऐसा करता हूँ, कैसे समझाऊँ मैं यहाँ पे, कैसे समझाऊँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसे स्मार्ट बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ये स्मार्ट बोर्ड साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये टंगा हुआ है ना, ये लटका रखा है यहाँ पे। मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूँ, बाहर से मैं किसी भी तरह का कोई भी फोर्स इस पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो यहीं का यहीं रहेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। फिर चाहे आप 5 मिनट, अगले 5 मिनट की बात करें, 10 मिनट की बात करें, 50 मिनट की बात करें, या फिर कुछ दिनों की बात करें, या फिर कुछ सालों की बात करेंगे, ये यहीं का यहीं रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेस्ट पे तब माना जाएगा, यस चीज़ों का समझिएगा, ये रेस्ट पे तब माना जाएगा जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब ये है कि इफ ए बॉडी, ध्यान समझिएगा, इफ ए बॉडी डज नॉट, यस डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चलिए विथ टाइम लिख लीजिए, ठीक है ना। तो टाइम के साथ अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कह देते हैं कि वो जो बॉडी है, ये वो जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, दैट इज इन रेस्ट। बताइए किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ तक है ना, एट रेस्ट बेसिकली। तो इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। राइट, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन की। और यहाँ पे डज नॉट के जगह पे चेंजेस आ जाएगा, यस। इफ ए बॉडी, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन, यस चेंजेस इट्स पोजिशन, चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम, विद टाइम, लो भैया। तो टाइम के साथ अगर ये पोजिशन को चेंज कर रहा है, कोई भी बॉडी हो सकती है वो, तो उसको हम कह देंगे कि मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कीजिए, रोड के साइड में खड़े हो जाइए, एक गाड़ी को आपको ऑब्जर्व करनी है, जो व्हीकल आ रही है ना, इधर से मान लीजिए आ रही आ रही आ रही, तो आप टाइम देखते रहिए और उसकी पोजीशन देखते रहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे 1 सेकंड के पहले वो थोड़ी दूर था, अगले सेकंड में आपके थोड़ा सा करीब आ गया, 1 सेकंड का और आपके करीब आ गया, ऐसे करते 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 वो हर एक सेकंड में है ना, फिर आप मिली सेकंड्स में क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो कोई भी ऐसी दुनिया की बॉडी जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम उसको कहते हैं रेस्ट पे नहीं, मोशन में, ठीक है ना। अगर चेंज करे तो, अगर चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि इस पे है वो रेस्ट पे। क्या ये दो वर्ड क्लियर हुए आपके पास, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ ही चुकी है कि यार मोशन का क्या कहानी है ना, मोशन कैसे होता है, क्या मतलब, अभी डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि अपनी पोजिशन चेंज करेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, तो मोशन जो है वो, यस, मोशन में जो है वो तीन तरह से एक बॉडी हो सकता है। एक हो सकता है वन डायमेंशन में हो, दूसरा हो सकता है टू डायमेंशन में हो, और तीसरा हो सकता है थ्री डायमेंशन में हो। यस, अभी तक कुछ जो चीज़ें अपने को पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोगों को जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि एक जो बॉडी है, सॉरी, हेलो हेलो, ठीक, ओके, तो एक जो बॉडी है वो क्या कर सकता है, वन डायरेक्शन में, बोले तो वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में मोशन कर सकता है। तो सर इसका एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन का हम आपको एग्जांपल देते हैं बड़ा ही मस्त तरीके से। वन डायमेंशन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, कि एक बॉडी है, यहाँ से चलना शुरू किया
और बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए चला जा रहा है। यह आपके पास एक्स एक्सिस भी हो सकता है, मैथ्स में आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करवाया हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक और एक्सिस होता है जिसे हम जेड एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यह एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकते हैं, प्लस वाले एक्सिस और माइनस वाले एक्सिस, कोई सा भी सिर्फ एक एक्सिस हो सकता है, एक डायरेक्शन वाला, सिर्फ एक्स एक्सिस में या तो सिर्फ वाई एक्सिस में या तो सिर्फ जेड एक्सिस में, या सिर्फ एक्स सिर्फ वाई या फिर सिर्फ जेड, इन तीनों में से किसी भी एक एक्सिस में अगर एक बॉडी का मोशन है तो हम उसको कह देते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। और ये जो वन डायमेंशन है वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है और जेड एक्सिस भी हो सकता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम एलिबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको समझने के लिए क्या कीजिए, एक पाथ को बना लीजिए इस तरीके से स्ट्रेट, एक बॉल लीजिए और ऐसे करके धक्का मार दीजिए, है ना, ठेल दीजिए इसको, पुश कर दीजिए। जैसे मैंने पुश किया वो बिल्कुल अगर स्ट्रेट जा रहा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेढ़ी मेढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अब एक बॉल लीजिए, एक बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड के डायरेक्शन में थ्रो कीजिए, तो बिल्कुल ऊपर गया तो सिर्फ वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ऊपर से छोड़ दीजिए तो डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो वाई एक्सिस नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा है, नो डाउट, तो एक सिर्फ एक एक्सिस में मोशन कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को अगर मैं सिर्फ, वैसे हवा में होता है तो तीनों डायरेक्शन में होते हैं नो डाउट, ठीक है ना, उसका भी एग्जांपल मैं समझाता हूँ, बट मैं सिर्फ एक एक्सिस की कंसिडरेशन ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की पाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। तो सर टू डायमेंशन मोशन की क्या कहानी होती, तो इस केस में ना कोई भी बॉडी प्लेन में मूव करता है, प्लेन में मूव करता है और वो जो प्लेन हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, देखिएगा ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो इधर 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 कहीं पे भी वो मोशन कर सकता है ना, इसको टू डायरेक्शन बोलते हैं। अब ये एक्स वाई था, नो डाउट, अब जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो, एक्स जेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स जेड हो, है ना, वाई जेड भी, तो इस तरह से आपके पास बेसिकली कोई सा भी प्लेन जो है वो हो सकता है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इन तीनों में से, लेकिन उसमें दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्नेक का एग्जांपल लेता हूँ, तो जनरली वो रेंगते हैं इस तरह से, तो आप अगर इस वाले को पोजीशन को अच्छे से ध्यान से समझेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप मान लीजिए ये सांप है और इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें एक्स एक्सिस में भी कुछ ना कुछ मोशन है और वाई एक्सिस में भी कुछ ना कुछ मोशन है, लाइक दिस, एक्स एक्सिस में इसलिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस में इसलिए क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ये दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, चलिए, तो कुछ इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं आप, दिस इज योर मोशन इन अ प्लेन। अब आते हैं हमारे पास थ्री डायमेंशन वाले मोशन का एग्जांपल, आप एरोप्लेन का एग्जांपल लीजिए, वो हवा में उड़ रहे हैं, वहाँ पे आपके पास तीन के तीन एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो तीनों एक्सिस में जो मूव करते हैं बेसिकली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो 3D होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं 3D वाले, सारे जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं वो 3D वाले ऑब्जेक्ट्स के अंडर में आते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, एक सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, एक सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो सर्कल है ना वो एक 2D है, और जो एक आपके पास मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, सो बॉल इज नथिंग बट वो 3D है, तो चीज़ों को समझिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडरेशन में ले रहा है, बट बॉल एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, दैट्स द रीजन कि ये 3D वाली कहानी निकल कर आ जाती है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में होते हैं तो 3D मोशन कहलाता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या क्लियर करवा दिया है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट इन पीस नहीं गलत बात, आपके पास करवा दिया वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। अभी तक कहीं ना कहीं मैंने अभी तक चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, बोले तो चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको हमने अभी तक कवर करना स्टार्ट नहीं किया है, तो जो जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करने के लिए फटाफट आइए आगे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे अब आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो क्या है सर, तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी सबसे पहले जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक
ठीक है, डिसप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और इससे भी पहले आपको एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आइए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है आप लोगों को, मैंने स्केलर क्वांटिटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, है ना, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस पे चलो बाद में ही जाएंगे, पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं एक्चुअल में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एक चीज़ हमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक मैग्नीट्यूड नाम का वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अपने मास की बात करता हूँ, दैट इज़ 55 kg, एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो 55 है वो आपके पास एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 50 है वो आपके पास एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई, डन है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले में भी मैंने आप लोगों को कुछ इसी टाइप का कुछ एग्जांपल जो है मैंने दिया था। लेट करते हैं कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये जो 80 आया, ये जो 80 है दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड व्हाइल दिस इज़ योर यूनिट। क्या इतनी सी बात समझ में आई, डन है। तो आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होते हैं और साथ में इनके साथ जो लगे होते हैं वो यूनिट क्या होते हैं, आइडिया मिल गया होगा। तो इनका कहना है स्केलर क्वांटिटी का, चलिए दूसरी चीज़ और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये दोनों बच्चों की तरह आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, है ना। डायरेक्शन, यस डायरेक्शन, अब नो डाउट डायरेक्शन का आप लोगों को पता ही होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उसमें डायरेक्शन सेट होगा, नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला कि 50 kg, चीज़ों का समझिएगा, 50 kg, क्या आपको यहाँ से कोई कन्फर्मेशन मिल रहा है कि 50 जो kg है वो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आपको डायरेक्शन का पता ना हो तो उसमें बोल देंगे डायरेक्शन नहीं है, और जिसमें पता चले कि बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्शन है तो आपको डायरेक्शन भी पता चलेगा। अब इसमें भी आपको देखकर डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा कि 80 की स्पीड से कार मूव तो कर रही है बट किस डायरेक्शन में, दैट इज नॉट मैंसनड। बट इफ़ आई मैंसन इट लाइक दिस, 80 किलोमीटर पर आर टूवर्ड्स नॉर्थ, लो भैया अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि नॉर्थ के साइड हम जा रहे हैं 80 की स्पीड में, नॉर्थ के साइड जा रहे हैं 80 की स्पीड में, तो अब यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन जो है वो मेंशन हो चुका है। बट हर बार आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया होगा, अपनी तरफ से आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो दिमाग कैसे लगाना है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं और इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, तो इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से जो समझ में आने वाला है, इस पर हम दोबारा आएंगे, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो इस पर हम दोबारा आएंगे अभी, ठीक है ना। पहले फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रेशर हो गया, है ना, प्रेशर वगैरह भी, तो प्रेशर भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेशर, करंट हो गया, ये सारे आपके पास चार्ज हो गए, ठीक है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे पता चल जाएगा हमें देख के ही, उनके बारे में भी एग्जांपल की बात करेंगे, फिलहाल हम वेक्टर क्वांटिटी का आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग होंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले इंक्लूड करना चाहिए था वो था डिस्टेंस, और वो मैंने किया है। हालांकि डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, लेंथ होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यार अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिख रहा हूँ मैं,
डिसप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी। यहाँ पे दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें जो थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगता है, एक तो होगा आपके पास डिस्टेंस और दूसरी होगी आपके पास स्पीड। हालांकि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस पता चलेगा, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनके बीच में। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगी आपके पास, फिर आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, है ना, फिर फोर्स आ जाएगा आपके पास, मोमेंटम आ जाएगा आपके पास, टॉर्क आ जाएंगे ये सारे आपके पास ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी होते तो होते कैसे हैं, है ना, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा डायरेक्शन से, है ना, वो पता चलेगा आप लोगों को फॉर्मूले उसके क्या होते हैं उससे। तो उसके लिए एक बार आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा ना कि उसमें डायरेक्शन होता है, तो वहीं से आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और फिर बाद में आपको वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी समझ में आ जाएगा कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात डन है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे, अरे मैंने लिख तो रखा था यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस बताने से पहले होता क्या है, सबसे पहले वही बताना ज़रूरी है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, ठीक है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ, जो टोटल पाथ की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट क्या टोटल पाथ, और ये जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, इसके क्या कहा जाता है इसको, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट और ये शॉर्टेस्ट। अब एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंडीशन निकालता हूँ कि मुझे, मैं ना पॉइंट ए पे हूँ एंड आई हैव टू गो एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए से हम कहाँ पे जा रहे हैं, पॉइंट बी पे जा रहे हैं। सो वी हैव सो मेनी वेज टू गो देयर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पाथ, आई कैन ऑल्सो गो देयर, है ना, ऑल्सो वी कैन टेक दिस पाथ, ऑल्सो वी हैव दिस पाथ, है ना, ऑल्सो इफ आई गो देयर 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 एंड देन रीच एट पॉइंट बी। सो वी हैव सो मेनी पाथ टू रीच एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी है फिर यहाँ पे, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी है फिर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बस इतनी सी कहानी है, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूँ कैसे क्या कहानी है इनकी। अगर आपने ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से, ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ किया, अगर आपने ये वाला पाथ चूज किया है तो यही आपके पास डिस्टेंस है और यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, बताइए क्यों? क्योंकि जब आपने इस पाथ को चूज किया तो एक तो टोटल डिस्टेंस भी यही है, टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कवर आप यहाँ से यहाँ पे चूज किया होगा तो टोटल डिस्टेंस भी है ये, टोटल पाथ कवर्ड। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। मैं आपसे ये बस जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा और रास्ता है जो इस वाले से शॉर्ट हो सकता है? ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन है ये, तो क्या इससे भी कोई शॉर्ट रास्ता हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। जब आपने शॉर्टेस्ट पाथ लिया तो जो डिस्टेंस था वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर इफ़ वी टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर मैंने ये पाथ नंबर वन था, चलिए पाथ नंबर टू की बात करते हैं। अगर आप पाथ नंबर टू की बात करते हैं तो ये वाला जो होगा, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, दिस विल बी योर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ कवर्ड, बोलिए हाँ यानी। सो टोटल पाथ कवर्ड विल बी यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए और फिर यहाँ से यहाँ पे गए, मान लेते हैं एक किलोमीटर है या सात किलोमीटर है, फिर से ये एक किलोमीटर है, कितने होगा टोटल, तो डिस्टेंस हो गया आपके पास 9 किलोमीटर। लेट से जो पहला वाला पाथ था वो टोटल था 9 किलोमीटर का, ऑफकोर्स, ठीक है, 9 किलोमीटर का। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 9 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट भी 9 किलोमीटर का था, ठीक है। बट जब मैंने पाथ नंबर टू को चूज़ किया, ध्यान से समझिएगा, जब मैंने पाथ नंबर टू को चूज़ किया है तो जो डिस्टेंस निकला वो 9 किलोमीटर, तो मैं चाहता हूँ कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, तो शॉर्टेस्ट अगेन दिस विल बी द दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी अगेन इक्वल टू 9 किलोमीटर, समझ में आ रही बात।
तो अब चीज़ों को समझिएगा, जब हमने पहला वाला पाथ चूज़ किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ गए, बट जब मैंने दूसरा वाला पाथ चूज़ किया तो डिस्टेंस ज़्यादा आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया ए भाई? 9। इसको 9 नहीं बोल सकते हम, 7 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 था ना, तो 7 किलोमीटर हो गए, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या निकल कर आ जाएगा? 7 किलोमीटर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये वाला मैंने 9 गलत बोल दिया, इसको मुझे 7 बोलना था, वो बस आइडिया मानने के ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 माना था, इसीलिए मैं 7 ले रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये 7 हो गया और ये भी आपके पास 7 हो गया जब हमने ये वाला पाथ चूज़ किया। जब बट ने दूसरा वाला पाथ चूज़ किया तो आपने देखा जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गया, और ये वाला 7 तो 9 किलोमीटर हो गया। बट इस केस में भी, पाथ नंबर 2 के केस में भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 7 किलोमीटर ही होगा, जो क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 7 किलोमीटर का ही है। और डिस्प्लेसमेंट का कहना भी यही है कि मैं हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ रहूँगा, जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा वाला रास्ता होगा उसकी लेंथ को आप कह सकते हो कि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 किलोमीटर। चलिए अगले पाथ की बात करते हैं। अगर आपने इस वाले पाथ को चूज़ किया है, चलिए इसको हम पाथ नंबर 3 बोल देते हैं, तो इस पाथ नंबर 3 के केस में हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 12 किलोमीटर का रास्ता का पता करना पड़ा हो, है ना, कवर करना पड़ा हो 12 किलोमीटर का। तो ये हो गया आपके पास डिस्टेंस, दिस विल बी द डिस्टेंस। बट बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही वाला स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 7 किलोमीटर ही निकल कर आएगा। आइए मैं फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ वाले पाथ पे चलते हैं बेसिकली। तो चौथे वाले रास्ते को जब मैंने यूज़ किया तो मान लेता हूँ कि बड़ा ही लंबा रास्ता है, नो डाउट। तो इसमें मानते हैं कि हमने ना 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है, टोटल पाथ कितना है 25 किलोमीटर का। अब मुझे ये जानना है कि हम पॉइंट ए से निकल कर कहाँ गए, पॉइंट बी पे। तो ये था इनिशियल पोजिशन और ये क्या था आपके पास, फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो, यस, बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन दिस पाथ विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अगेन 7 किलोमीटर। अब चीज़ों को समझिएगा, मैंने आप लोगों को चार पाथ का एग्जांपल दिया है, क्या इतनी सी बात समझ में आई है ना, चार पाथ का आप लोगों को एग्जांपल दिया, चार रास्ते दिए मैंने आप लोगों को। चारों रास्ते के केस में अगर आप नोटिस करें तो डिस्टेंस अलग अलग आए, पहले में 7 था, दूसरे में 9 हो गए, तीसरे में 12 हो गए, और चौथे वाले में 25 किलोमीटर आ गया, 25 किलोमीटर आ गया आपके पास क्या, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट रिमेंड सेम, डिस्प्लेसमेंट हर एक केस में आपके पास 7 किलोमीटर ही रहा। अब यहाँ से आप लोग एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जनरली बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम वेन द टेकन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ, बताइए हाँ या नहीं। ये हमने आपको फर्स्ट केस में अभी डिस्कस करवाया है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप चाहते हैं कि इक्वल हो जाए तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा, जिस केस को डिस्टेंस भी कहेंगे और उसी वाले पाथ को बेसिकली हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं जब हम सबसे वाला छोटा वाला रास्ता लेते हैं, अदरवाइज अगर आप कोई बड़ा सा रास्ता लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। अगर बड़ा वाला रास्ता लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस समझ में आया कि एक होता है टोटल पाथ कवर और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को डिफरेंस बताते जाता हूँ और उनके बीच में जो की पॉइंट्स है ना वो मैं बताते जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, और एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को समझाते जाता हूँ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्टेंस में आप लोगों ने देख लिया पहला डिफरेंस, जो पहला डिफरेंस था वही था टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है, और दूसरा वाला इसी का ही जो पहला वाला था नो डाउट, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो एक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है। तो टोटल पाथ कवर्ड और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है। अब डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे आप इसको बोलेंगे एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंस बताना है आप लोगों को दोनों के बीच में, और यहाँ पे इसके दूसरे में क्या बताओगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप बोलेंगे सर ये हमको कैसे पता चला, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
इस वाले पाथ को ऑब्जर्व कीजिए। इस वाले पाथ को अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी तो पता चला होगा कि जब मैंने डिस्टेंस लिया तो डिस्टेंस के लिए मैं इस रास्ते को भी चूज कर सकता हूँ, इस रास्ते को भी चूज कर सकता हूँ, इस रास्ते को भी चूज कर सकता हूँ और इस रास्ते को भी चूज कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फिर से सुनिए, डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फिर से सुन लीजिए, डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्टेंस का मतलब है आप किसी भी रास्ते को, किसी भी पाथ को चूज कर सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको हर बार शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा, हर बार आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा, है ना, हमेशा यही लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के केस में शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा? तो हर केस में, ईच एंड एवरी केस, आप कोई सा भी पाथ को फॉलो करें, डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको शॉर्टेस्ट ही लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है। बोलिए हाँ या नहीं? अभी मैं आप लोगों को बस ये चीज़ समझा रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स किस में है और फिक्स किस में नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन फिक्स है। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब अगर आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के पास जाते हैं, तो आपको पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है। और अगर आप यहाँ पे वापस आकर चेकआउट करें तो आपको पता चलेगा डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ 9 है 10 है 7 है, डिस्टेंस का 25 है और डिस्प्लेसमेंट का भी 7 है, फिक्स है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास है ही है, नो डाउट। अब डिफरेंस किसकी रह जाती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होना चाहिए जो कि सच में है भी नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया क्या, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन फिक्स है तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात ये, तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तीसरा जो डिफरेंस है, है ना, तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट इसकी बात करते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लो भैया, आइए, आप पॉजिटिव भी देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव भी देखने को मिल जाएगा और जीरो भी देखने को मिल जाएगा। तो सर हमें ना एग्जांपल देकर समझाइए, हमें समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। आप क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, ठीक है ना, जैसे रियल नंबर को बनाने के लिए लेते थे ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास जीरो होता था, इधर पॉजिटिव 1 हुई, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 एंड सो ऑन, एंड दिस साइड नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4 एंड नेगेटिव 5 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से चलता था ये नंबर लाइन आपके पास, मालूम है ना इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे जो समझाऊंगा ना उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे बोला सबसे पहले ना आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है और आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कितने का गैप है, बस इतनी सी बात समझ लीजिए, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस तो क्योंकि टोटल पाथ कवर्ड होता है तो हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, हम पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं, मैंने इस वाले रास्ते को चूज़ किया, नो डाउट। तो इस केस में मेरा जो डिस्टेंस होगा वो मेरा 5 यूनिट्स होगा, नो डाउट। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, आपके पास 5 यूनिट्स होगा। बताइए क्यों? क्योंकि हमने किसको फॉलो किया, स्ट्रेट पाथ को, है ना, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो किया, इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। स्ट्रेट पाथ के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होते हैं, आपके पास इक्वल होते हैं, अच्छी बात है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब आप यहाँ से पॉइंट बी से कहाँ पे आ जाइए, पॉइंट टू पे आ जाइए जो कि है क्या, पॉइंट सी है। अब मैं एक नया रास्ता चूज़ किया हूँ, समझिएगा, पहले मैं कहाँ से कहाँ गया, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से। पॉइंट ए से बी पे गए और बी से वापस कहाँ पे आ गए, हम टू पे, सी पे आ गए, मतलब इस वाले पॉइंट को चलिए सी कह देते हैं,
समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मेरे को इस केस में जानना है, ये केस नंबर वन हो गया। अब केस नंबर टू में नया कंडीशन दिया मैंने आप लोगों को, मुझे आपसे पूछना है कि डिस्टेंस कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ पे गए तो 5 यूनिट्स हुए, यहाँ से यहाँ पे आए तो कितना हो गए, 1, 2, 3, 3 यूनिट्स और आ गए, 5 + 3 कितने हो गए, 8 यूनिट्स हो गए। तो डिस्टेंस के केस में ना टोटल पाथ कवर्ड होता है, उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है भैया इधर गए इधर हो गए कुछ भी हो गए। बट इस केस में अगर आप ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी 8 यूनिट्स होगा तो आपको समझ में नहीं आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मालूम है, आपकी इनिशियल पोजिशन क्या थी, पॉइंट ए, फाइनल पोजिशन क्या है आपके पास, सी, ना कि बी। बी नहीं है ध्यान रखिएगा, कहाँ पर सी है, फाइनल पोजिशन। आप इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और एंड कहाँ पे कर रहे थे, पॉइंट सी पे। अब इनके बीच का गैप कितना है बस वो देखना है आपको, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और गैप कितना है आपके पास, राइट साइड है, पॉजिटिव का साइड 2 है तो पॉजिटिव का साइड, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2 यूनिट्स। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे केस पे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तीसरे केस में हम क्या गए, ए से कहाँ पे गए, बी पे, बी से कहाँ आए, सी पे, और सी से वापस कहाँ पे आ गए, ए पे। आई हाय मजा सा आ गया सर, समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तीसरा केस मैं ले रहा हूँ, इस केस में आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है, इस केस में आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ से ए से कहाँ पे गए, बी पे, तो 5 यूनिट्स चले, और बी से कहाँ पे आए, सी पे, तो 8 यूनिट्स हो गए, और सी से कहाँ पे आए, यहाँ पे, तो 2 यूनिट्स हो गए, 10 यूनिट्स हो गए टोटल। तो डिस्टेंस जो आपके पास वो 10 यूनिट्स है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल पाथ कवर्ड। तो गए आए जहाँ से भी टोटल कितना हो गया, 10 यूनिट्स हो गए। बट मेरे को जानने का आपकी बार ना डिस्प्लेसमेंट कितना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं ध्यान रखिएगा आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में मैं आपको समझाता हूँ, क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और आपकी एंडिंग कहाँ हुई है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस पता करना है आपको, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। आपने ए से शुरू किया था और वापस आ गया पोजीशन ए पे, तो सर डिस्टेंस है कितना, डिफरेंस है कितना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, सर है ही नहीं, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो आप लोगों को मैंने अभी तक ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की बात बताता हूँ, और हर एक केस में अगर आप देखें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिया, 0 डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिया। अब लेकर जाता हूँ 0 वाले के केस में। अब मैंने आपसे बोला फिर से वही वाली कहानी कि आप ऐसा करो, ए से स्टार्ट करो, बी पे जाओ, बी से सी पे आओ, सी से ए पे आओ, और ए से यहाँ पे आ जाओ डी पे। अब बताओ इस केस में कितना डिस्टेंस होगा, मैं फोर्थ केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बताना है कि इस केस में डिस्टेंस कितना है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। इतनी बात, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ गए 5, 5 और 3 8, 3, 8 और 2 10, 10 और 4 14। ये डायरेक्शन प्लस माइनस को नहीं देखता, ध्यान से रखना, यहाँ पे आपके पास बस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिखेगा और कुछ नहीं। अब दूसरे केस में जब आप डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी और फाइनल पोजीशन हमारी ये है। अब बीच के रास्ते समय कोई मतलब होता ही नहीं, मुझे इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। तो इनिशियल मेरा ये है और फाइनल मेरा ये है, इन दोनों के बीच में अगर आप नोटिस करें तो कितने का गैप है, 4 का गैप है। बट रिमेंबर यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स होता है। तो अगर आप नोटिस करें तो हम ना नेगेटिव साइड गए, पहले इधर का डायरेक्शन था, आपकी बार इधर का डायरेक्शन हो गया और माइनस के है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव ऑफ 4 आया आपकी बार डिस्प्लेसमेंट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, डन है, समझ में आया ना। जो मेजर डिफरेंस थे ना वो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि एक्चुअल में किस तरीके से पॉजिटिव, किस तरीके से नेगेटिव, और किस तरीके से यहाँ पे जो 0 का कंडीशन है वो भी बन जाता है। समझ में आई ना बात, डन है। और चौथा आप यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी मीटर में मेज़र की जाती है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। यस, इसकी भी अगर मैं बात करता हूँ तो जो यूनिट होती है वो ही सेम ही होती है, बोले तो मीटर होती है, ये सिमिलैरिटी में आप डाल सकते हैं। तो यूनिट आप लोगों का जो दोनों का रहने वाला है वो मीटर ही रहने वाला है। आप लोगों को मैंने मेजर डिफरेंस बताया अभी फ़िलहाल कि किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 वगैरह इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो शो करता है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भाई बता दो, ठीक है, इतनी बात, डन है।
चलिए एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए। मान लेते हैं आप लोगों को पता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, डायरेक्शन की कहानी। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करता हूँ और किधर जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ से मैं इधर जाता हूँ, फिर इधर से मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो जीरो से स्टार्ट करा, ए पे गए और बी पे आ गए। मुझे ये पता करने का है, चलो मैं दे देता हूँ, ये तीन है, ये चार है और ये पाँच है। मुझे ये पता करना है कि डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर आपने डिस्टेंस की बात करी तो तीन पाँच आठ, आठ चार बारह, ट्वेल्व हो जाएगा, 12 यूनिट। अभी अगर मैंने मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो आप सिंपली यूनिट लिख देंगे। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी बताइएगा जरा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू किया था और यहीं पर ख़त्म कर दिया, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आई ना बात। अगर आपके पास एक सर्कल है, पॉइंट ए से स्टार्ट करा, घूम फिर कर आ यहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ। तो इतना पाथ, ये चारों तरफ का पाथ जो कितना होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस होता है, याद कीजिए, जो होता था 2πr। अगर आपको रेडियस पता हो तो यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके आप डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल अपोजिटली मैं यहाँ पे पहुँच चुका पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस होगा इस वाले पाथ का यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, है ना। आपको ये भी नहीं बोला जाएगा कि इस वाले पाथ को फॉलो करके आए हैं, आपसे बोला जाएगा इस वाले पाथ को फॉलो करके आए हैं, पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे आए हैं सर्कुलर पाथ में। तो मुझे पता करना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नो डाउट डिस्टेंस होगा पूरे 2πr का आधा, है ना, टोटल 2πr था, तो 2πr को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना बचेगा πr। रेडियस पता होगा, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ये हुआ डिस्टेंस। अब दूसरा होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने का सबसे छोटा वाला रास्ता क्या है, ये वाला, है ना। पूरा क्या होगा, डायमीटर ये हो गया, ये वाला रेडियस होगा, मान लीजिए ये रेडियस, तो 2r हो जाएगा, r प्लस r रेडियस, 2r हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बस इसी टाइप के आपसे न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। तो फिलहाल, यस फिलहाल मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जय हिंद।